यद भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, भगवान के चरित्रों में प्रीति प्राप्त नहीं हुई, तो चाहे जितने धर्माचरण करो, धर्मानुष्ठान करो, पुरस्चरण करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, कुछ भी करो, सब बेकार है। धर्मस्व अनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी स्पष्ट कहते हैं, खूब धर्मानुष्ठान पुरस्चरण किए आपने, पर नोत्पादयेत यद रतिं, भगवान के चरणों में तुम्हारी रति उत्पन्न नहीं हो रही, तो श्रम एव हि केवलम्, आप कोरा परिश्रम कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका ये सब बेकार है, ऐसी बात नहीं है, परंतु यूं समझ लो, आप दवा खा रहे हो और फिर भी स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा, तो फिर क्या कहा जाए, दवा बेकार अथवा डॉक्टर खराब, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। या दवा सही होती, डॉक्टर जोरदार होता, तो बीमारी तो मिटनी चाहिए, क्यों नहीं मिट रही। उसी प्रकार आप जो भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, यद उन सब का परिणाम परम फल भक्ति है, और भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही तो श्रम एव हि केवलम्, परिश्रम मात्र है, सबका परम फल है। कृष्णे भक्तिर ही साध्यते, उद्धव जी ने कहा है कि सारे व्रत अनुष्ठान दान पुण्य आदि का एक ही फल है, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। अब वो नहीं मिली तो बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हुसे कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। स्वामी जी ने कितना गजब का दृष्टांत दिया, परम सुंदरी स्त्री नख से तक वस्त्रालंकारों से समलंकृत, किंतु नासिका विहीन हो गई तो सारी सुंदरता पर पानी फिर गया, सब चौपट हो गया। उसी प्रकार जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, उसी प्रकार आप खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव से संपन्न हो, किंतु भगवान के चरणों की भक्ति आप में नहीं है, तो सब व्यर्थ है, बेकार है, नासका विहीन सुंदरी की भांति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस परम तत्व को जानना ही होता है। वो परम तत्व क्या है महाराज? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के जीवन का उद्देश्य तत्व को जानो। किस तत्व को महाराज? बोले वदन्ति तत्तत्व विदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सब्द्यते। तत्वविदः एवं तत्त्वं वदन्ति, तत्ववेत्ता उस तत्व को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तत्व तो एक ही है, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, तत्व एक ही है, उसी को निर्गुण निराकार कहते हैं, उसी को सगुण निराकार कहते हैं, उसी को सगुण साकार भी कहते हैं, उसके तीन भेद हो गए। ज्ञानी पुरुष उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब जते, तत्व एक ही है पर निर्गुण निराकार के रूप में उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार के रूप में उसको परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार के स्वरूप से उसको भगवान कहते हैं। दृष्टांत से समझो, जैसे पानी है, फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया। पानी को यदि आपने किसी पात्र में रख करके चूल्हे पे चढ़ा दिया तो भाप बन के उड़ने लगा। अब भाप कहो या पानी कहो या बर्फ कहो, चीज तो एक ही है, नाम अलग है, स्वरूप अलग है, पर वस्तु एक है।
किंतु फिर भी एक होने पर भी अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उसके गुण हैं। आपको जुकाम खांसी हो गया, डॉक्टर ने कहा थोड़ा गरम गरम पानी की भाप ले लीजिए। अब भाप की व्यवस्था नहीं बनी तो आपने कहा फ्रिज में बर्फ तो रखी है, चलो यही ले लेते हैं, वस्तु तो एक ही है। अब डॉक्टर ने आपको भाप लेने के लिए कहा और आपने भाप की जगह फ्रिज से निकाल के बर्फ खा ली तो क्या होगा, लेने के देने बढ़ जाएंगे, जुकाम खांसी और बढ़ जाएगा, भाई बर्फ खा रहे हो। अब आप खूब कहो वस्तु तो एक ही है, बर्फ कहो पानी कहो भाप कहो, क्या क्या फर्क पड़ता है, नहीं बहुत अंतर है। तो जिसको देखो, भक्तों को तो अपने भगवान में ही आनंद आता है, उनको तुम निर्गुण निराकार की बात करो उनको आनंद नहीं आएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, उन्हें उसमें स्वाद नहीं। परंतु जो ब्रह्म का ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं, वो नाम रूप को मिथ्या कहते हैं, वो सब बेकार है, सब झूठा है। नित्य अविनाशी तो वही ब्रह्म है, अपना अपना स्वाद है। यूं समझो कि मिठाई की दुकान है, रबड़ी भी है, बर्फी भी है, रसगुल्ला भी है, जलेबी है, इमरती है, सब है, मिठाई की दुकान ही है। अब लोग कहते हैं साहब आपने बहुत बढ़िया उपलब्धि प्राप्त की है, आपने इतनी बढ़िया कुर्सी प्राप्त की है, विधायक बन गए, एमपी बन गए, अब मिठाई तो खवाओ। अब आपने को मिठाई की दुकान पर उसने सब कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया, भाई इनको मिठाई खिलाओ, तो पूछेगा कौन सी मिठाई, अरे मिठाई माने मिठाई, बोले नहीं फिर भी बताना तो पड़ेगा, मिठाई की तो दुकान है पर मिठाई कौन सी चाहिए, सब मीठा है, मीठा के अलावा कुछ नहीं। अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, पर फिर भी मिठाई मिठाई का स्वाद है, ऐसी समझो तत्व तो एक ही है, मिठाई तो सब में है, पर तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, कृष्ण कन्हैया की मिठाई पसंद है कि रघुनंदन राम भद्र की, के भोले बाबा शंकर की, के दुर्गा मैया की, ये सब एक ही मिठाई है, बाकी तुम्हें जो उनसी मिठाई पसंद आवे वो सबसे टॉप की है। और कुछ लोगों का दुराग्रह होता है, अरे सब कहां तुम रसगुल्ला में परेशान हो रहे हो, रबड़ी लो ना एक बार गटागट सीधी, क्या गजब का स्वाद है, अरे तेरे को रबड़ी में स्वाद आ रहा है तू खा भैया, हमको रसगुल्ला का आनंद लेने दो, मीठा तो वो भी है ये भी है, मिठाई की दुकान तो एक ही है। उसी प्रकार अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान एक ही है पर अनेक रूपों में है, तो मैं जो रूप प्रिय लगता हो, जिसमें स्वाद आपको आता हो वही बढ़िया है, परंतु उसको पाना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि उसको पाते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिस्मरी। आत्म साक्षात्कार होते ही जीव के समस्त हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, उसके जितने संशय भ्रम हैं सब मिट जाते हैं, जितने भी कर्म बंधन हैं सबसे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उस तत्व को मानव शरीर से ही जाना जा सकता है, पशु पक्षी आदि देह में नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व को जानो। बोले महाराजा, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर किया कि वही परमात्मा किस किस रूपों में अवतरित हुए हैं, पूरी भागवत में उन्हीं अवतारों का प्रसंग विस्तार से आप सुनेंगे। अंत में अवतारों की संख्या गिनाने के बाद कहते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतार के भी कई भेद होते हैं, अंशावतार आवेशावतार, पर परिपूर्ण अवतार तो श्री कृष्ण का ही है। और चकारेण श्री रामोपी गेया, एते चांस है ना, चकारेण माने परिपूर्ण अवतार तो श्री राम और कृष्ण का ही है। अच्छा, हमारा ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं इसकी रचना
कब कहां किसने की, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना। तब श्री सूत जी कहते ऋषियो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलयाहरे। द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। त्रिकालज्ञ महापुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे कि घोर कलयुग आ रहा है। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इन विचारों का कैसे कल्याण होगा, यह विचार करके व्यास जी महाराज ने एक वेद के चार विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। वेदों का विस्तार से करने से ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। परंतु वेदों की भाषा बहुत जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पंचम वेद महाभारत की रचना करी, बहुत बृहद ग्रंथ। पर महाभारत जैसा ग्रंथ लिख करके भी व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी। 17 पुराण लिख के भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो चिंता मग्न हो गए, अब क्या किया जाए। तो देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा करी। नारदम सुर पूजितम पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। देवर्षि नारद जी का विधिवत पूजन व्यास जी ने किया। नारद जी व्यास जी को देख करके बोले, अरे पाराशर जी, आप तो बहुत परेशान से लग रहे हो, क्या बात है। पाराशर महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। पराशरस्यापत्यं पुमान पाराशरः, पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए पाराशर कहे कि आपके मुख पर प्रसन्नता नजर नहीं आ रही, कारण क्या है। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, हमने जीवों के कल्याण की भावना से देखो कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ लिख डाला, फिर भी न जाने क्यों जो प्रसन्नता होनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो संतुष्टि मिली नहीं। नारद जी मुस्कुरा के बोले, हम बताएं कारण, बताइए महाराज। व्यास जी, महाराज ग्रंथ तो आपने एक से एक जोरदार लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इन ग्रंथों में सब विधि निषेध की बातें हैं, गोविंद के गुण कहीं नहीं गाए। जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। वो परमहंस वीतराग जो संत हैं, वे तो गोविंद के गुण गणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं, वो विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं। उन परमहंसों के लिए आपने कोई आनंद देने वाली वस्तु नहीं दी। हंस वायस तीर्थ में विहार नहीं करते, वो तो मान सरोवर में विहार करने वाले होते हैं। ऐसी परमहंसों के लिए जो गोविंद के गुण गणों के मोती होने चाहिए, वो आपने तैयार नहीं किए। नारद जी कहते, मुझको देखो, मैं पूर्व जन्म का दासी पुत्र था, पर संतों की सेवा में माता जी संलग्न रहती थी, उनके साथ मैं भी संत सेवा करने जाता था, इसलिए संतों से प्रीति हो गई और उन्हीं का शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई, आनंद आने लगा, और उन संतों के आशीर्वाद से ही वो दासी पुत्र नारद इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ है। पूर्व जन्म की लगन लगी थी। एक दिन मैं मस्ती में भगवान नाम कीर्तन करके नाच रहा था, प्रेम में, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जी कहते हैं व्यास जी मैं मस्ती में गा रहा था कि ठाकुर जी साक्षात मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। एक जन्म की प्रबल प्रतीक्षा के बाद प्रभु का साक्षात्कार हुआ था तो मैं खुशी में नाच उठा, खूब कीर्तन किया, तो ठाकुर जी मुझ पर इतने रीझ गए कि अपने कर कमलों से यह वीणा हमको प्रदान कर दी और कहा बेटा इसी वीणा पर हमारे नामों का कीर्तन करते हुए जगत में खूब विचरण करो, नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से ये दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। चारों ओर हमारा दानव दैत्य राक्षस देवता कोई भी हो सब जगह आदर है। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। नाम ने नारद जी को जगत पूज्य बना दिया। ये साधारण वीणा नहीं है जो प्रभु ने अपने हाथों से दी है। कैसी वीणा है?